धार में सुबह पानी भरने की मामूली बात को लेकर विवाद होता है और दो गुमटी संचालकों के बीच में विवाद इतना बढ़ जाता है कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाता है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया जिसमें रोहित सिंह भील उम्र 20 वर्ष की मौत हो जाती है। बीच बचाव में आए उनके माता पिता भी गंभीर रूप से घायल होते हैं। पूरी घटना धार के व्यस्ततम चौराहे अनिल प्लाजा की है जहाँ आए दिन अवैध रूप से अतिक्रमण कर कई दुकानें लगाई जाती हैं और विवाद भी होता रहता है। इसी के तहत आज एक बार फिर से विवाद हुआ है। कोतवाली थाना मौके पर पहुंची है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश का मामला नहीं था, एक छोटा सा विवाद था जिस कारण से इतना बड़ा रूप इसने लिया है। बहरहाल लाल से और उनकी माँ प्रेमबाई को प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती किया गया जिसके बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया गया है। तो वहीं इस मामले में एक महिला को हिरासत में लिया गया है और मुख्य आरोपी अभी फरार बतलाया जा रहा है। तीन लोग आए थे, माता पिता और पुत्र था। जो बेटा था वो तो ब्रॉड डेड आया था, मतलब आया ही था मृत अवस्था में। उसका प्रारंभिक उसकी सब जांचें करी गई, उसके दौरान उसको देखा गया और फिर उसको अभी मोर्चरी में शिफ्ट किया है रोहित को। और जो माता पिता है उनको भी गंभीर चोटें हैं, तो उनको प्राइमरी इलाज करके उनको इंदौर के लिए अपने रेफर किया है ताकि और भी जो अगर सर्जिकल ओपिनियन या जो इसमें अपने को इंटरवेंशन के साथ जरूरत हो तो अपन इसको कर सकें। सर ये लड़ाई झगड़े का केस है, जैसा उन खुद ने बताया तो लड़ाई झगड़े का कुछ केस है ना, पानी को लेकर विवाद हुआ है उनका, उससे रिलेटेड है। हथियार उससे मारा गया? हाँ, धारदार उससे मारा गया है। जो इंजरीज है वो ब्लंट ऑब्जेक्ट की नहीं है, शार्प ऑब्जेक्ट की है। तो माता पिता भी अभी उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद अपन उनको रेफर करना पड़ा है।